Assalamu alaikum. Good morning, students. Welcome to our SDMES Boys English Medium Primary School. How are you all? Today we will start with EVS of Standard 4th, Chapter 12, Part 2. So, students, हमने लास्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो था हमारा उसमें हमने क्या देखे थे कि उन लोग को ये जो नीला भाई है उनकी फैमिली को पूरा मूव करना पड़ा था एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ा था उन लोगों को और यहाँ पर लोग उनका नया घर बना रहे थे तो उन लोग ने उनकी दीवार उनकी जमीन बना ली है अब उन लोग क्या बना रहे हैं रूफ सो नाउ इट वॉज अ टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड क्या बनाया था उनको रूफ बना छत बनानी थी फादर मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग द ब्रांचेस ऑफ़ नीम ट्रीज एंड बाज तो क्या किए उसके फादर ने ब्रांचेस लिए मतलब डालियां लिए किसकी नीम ट्री की और बाम्बू लिए लकड़े जो लंबे लंबे आते हैं वो और उससे उन लोग दोनों को जॉइन कर दिए वी पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन डैट एंड कवर्ड धैम विथ मड और उन लोगों ने क्या किया गनी बैग्स मतलब जो गोनी की बैग्स आती है वो लिए उन्होंने और उसको कवर कर दिए ये सब चीज़ को किस से से मिट्टी से मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड अ हाउस व मेड लाइक आज उन लोग के आजू बाजू भी जो जितने भी घर थे वो उनके ही घर की तरह बने हुए थे इट वॉज़ जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस इनका ये जो घर नया बना था वो भी पुराने घर की तरह ही था आई लाइक इट द मोस्ट वो क्या बोल रहे कि मुझे ये बहुत पसंद था ना ये इनका नया घर बन गया नाउ चेंजेस इन द हाउस घर में क्या चेंजेस हुए हैं सो चेंजे टाइम पास क्विकली टाइम बहुत फटाफट चले गया वी वर्क हार्ड एंड सेटल उन लोग ने बहुत काम किए और बहुत मेहनत किए और वहां सेटल हो गए मदर एंड फादर वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड नाउ अब ये जो लड़की है ये क्या बोल रही है कि हाँ ये जो लड़का है ये इसमें यह क्या बोल रहा है कि मेरे मतलब मम्मी डैडी क्या चाहते है कि मेरी शादी हो जाए आई थॉट डेट बिफोर आई गॉट मेरिड वी शुड रिपेयर आ हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम वो क्या बोल रहा है कि मेरी शादी से पहले हम लोग का घर बनाए और हमें एक और रूम बना ले इसके अंदर सो इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ व यूजिंग सीमेंट सो सिटीज के अंदर लोग क्या यूज करते थे सीमेंट यूज करते थे दे सेट दैट दिस मेड द हाउस इज स्ट्रांगर सो इससे क्या बोलते थे कि घर जो है अगर सीमेंट से बनाएंगे सीमेंट से सो so और ज्यादा मजबूत घर बनेंगे वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट सो हमने सोचे कि हम सीमेंट भी यूज करें वी यूज आयन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम ने नया रूम बनाए उसके रूफ के लिए उन लोग ने क्या यूज किए आयन और सीमेंट यूज किए इनबिग ब्रिक्स बेला वल्सो अवेलेबल इन द मार्केट अनबिग ब्रिक्स जो होती थी मतलब ईटे वो भी अवेलेबल होती थी मार्केट में वी मेड द वॉल्स विद धेम और उन लोग ने जो दिवाले है वो उससे बनाए वो ब्रिक्स द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल तो यू जो ब्रिक्स का यूज है ईट का वो बहुत यूजफुल है बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल है बेनिफिट देता है हमें नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल अब उनको वो वॉल को कोटिंग करने की मतलब उसके ऊपर कोट करने की जरूरत नहीं है वंस इन दर वी वुड वाइट वॉश द वॉल सिर्फ उन लोग क्या करते थे वाइट वॉश कर देते वॉल के ऊपर वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड उन लोग ने क्या कि एक छोटा सा किचन भी बना दिए द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये किचन बनाए हैं इन लोग ने यहाँ पे चूल्हा है फिर यहाँ पे छोटे छोटे वेसल्स के लिए छोटे छोटे वेसल्स के लिए इन लोग ने यहाँ पे ये बनाए हैं सो so, आई धैन आई गॉट मेरिड एंड माई वाइफ केम टू आर न्यू हाउस सो यहाँ पे उसकी शादी हो गई और वो लड़के की वाइफ आ गई घर में टू कुक शी यूज़ टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन और वहाँ पर वो फ्लोर पे बैठ के किचन पे खाना बनाती थी वी ऑल्सो यूज टू सिट ऑन मैथ्स इन द किचन यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स ये पिक्चर सो इसमें इसकी वाइफ आ गई है और यहाँ पे वो बैठ के खाना बना रही है वी ऑल यूज़ टू सिट ऑन mats इन द किचन एंड ईट together. इट वॉज अ हैप्पी टाइम हम लोग कहाँ बैठते थे किचन में मैट मतलब चटाई बिछा कर बैठते थे और उस पर हम खाते थे हम लोग बहुत खुश थे सम पीपल यूज़ टू गो आउट टू फील फॉर टॉयलेट इन दोज़ टाइम्स मतलब जब उनको टॉयलेट जाना रहता था तो वो टाइम पे लोग क्या करते थे बाहर खेत में जाकर टॉयलेट करते थे सम ऑफ द houses हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस लेकिन कुछ घरों के अंदर अलग से टॉयलेट बनी हुई थी और इन लोग क्या बोल रहे हैं वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबिग ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस इन लोग ने भी इनके घर के पीछे एक छोटी सी टॉयलेट बनाए हुए थे तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितने चेंजेस होते जा रहे हैं पहले बहुत पुराना था फिर उन लोग वहां से चेंज होकर दूसरी जगह आए फिर वहां पे उन्होंने घर बनाए फिर उनका नया घर बना फिर वो बच्चे का शा बच्चे की शादी हुई तो फिर उसमें चेंजेस आए और फिर उनके घर में और मेंबर्स ऐड होते गए नाउ मोर चेंजेस अब और क्या चेंजेस हुए हैं माय सेवन सन्स एंड अ डॉटर व बॉर्न इन दैट हाउस वही घर में उसके कितने बच्चे हुए सेवन सात लड़के हुए और एक लड़की हुई टाइम पास्ट टाइम पास हो गया द चिल्ड्रन कम्प्लीटेड देयर स्टडीज़ उसके बच्चे मतलब यहाँ पे वो बच्चा एक टाइम पे जो दस साल का था अभी उसके खुद के कितने बच्चे हैं सात बच्चे हैं और एक लड़की है द चिल्ड्रन कम्प्लीटेड देयर स्टडीज़ उनके बच्चों की स्टडीज़ कम्प्लीट हो गई ट्वेंटी ईयर्स अगो आवर डॉटर जेमी गॉड मेरिड उसकी डॉटर जो थी जमी उसकी भी शादी हो गई एंड मूव टू रफू विलेज वो रफू विलेज में चली गई वेन माई सन लाखा गॉड मैरिड जब लड़का की शादी हुई वी फेल दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड अब उन उन्होंने क्या बोले उसके लड़के की शादी किए की सो so उसके लिए अब दुल्हन लाएंगे सो so उसके लिए भी घर बनाना है सो so उसके लिए भी घर बनाए उन लोग ने नया ना By then everyone was using यूजिंग bricks. ब्रिक्स और फिर वो टाइम से सब बेग ब्रिक्स यूज करने लग गए we also used them for the walls and instead of bamboos and roof tiles we used iron grit gravel and cement for a strong roof pehle kya tha students log unbrick use unbrick baked matlab jo ये ब्रिक्स होती थी वो यूज़ करते थे और रूफ़ के लिए क्या यूज़ करते थे बाम्बू नीम ट्री ये सब करते थे तो अब क्या करते हैं लोग सीमेंट है टाइल्स है आयन ग्रिट है ग्रेवल ये सब यूज़ करते हैं ना इन द टॉयलेट्स टॉयलेट के लिए भी अब क्या है उन लोग ने पाइप लगा दी है कि वेस्ट बराबर से बाहर चला जाए किचन जो है उन्होंने किचन भी बहुत बड़ा बना लिए कि ना लाखाज वाइफ इज़ यूजिंग मड चूल्हा रेरली तो क्या है अब वो ज़्यादातर वो मड चूला मिट्टी का जो चूला है वो अब वो यूज नहीं करती है वो अब गैस स्टोव पे खाना बनाती है सी देख रहोगे स्टूडेंट्स आप कि पहले किस तरीके का घर था यहाँ पर देखिए पहले किस तरीके के घर बन रहे थे और अब किस तरीके का घर बन गया है यहाँ पर नाउ लास्ट थिंग सी न्यू थिंग्स इसमें क्या है माई ग्रैंड सन इज़ नाउ लिविंग सेपरेटली एंड बिल्ड हिज न्यू हाउस उसका ग्रैंड मतलब उसका पोता वो जो है वो अलग रह रहा है और वो नए घर में रह रहा है ही हैज़ टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी वो सिटी में शॉपिंग करने के लिए जाता है धैर द बिल्डिंग व आर वेरी यूज और वो जब वो सिटी में जाता है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ओके okay, सो so, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसको शॉपिंग के लिए वो सिटी जाता है वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है बहुत सारी का अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ होती है सहायता होती है हमें वहाँ पर ही इज़ द सन ऑफ अ न्यू जनरेशन अब ये जो बच्चा है वो नए जनरेशन का है ही बिल्ड हाउस विद द फैसिलिटीज़ लाइक टॉयलेट्स किचन एक्सेट्रा और ये जो घर में रह, रह रहा है वहाँ पर किस चीज़ की फैसिलिटीज़ है टॉयलेट है किचन है और बहुत अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ है विच वी फाइंड डिफिकल्ट टू बिल्डअप मतलब वो पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें बिल्ड करना बहुत प्रॉब्लम होती थी उनको डिफिकल्ट लगती थी और अभी ये सब चीज़ें बहुत ईजी हो गई है फ्यू ईयर्स अगो लाखा रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड बाथरूम अब लाखा जो था उसने अपना टॉयलेट बाथरूम रेनोवेट किया मतलब बनाया फिर से ही यूज कलर्ड टाइल्स इन हिज बाथरूम उसने क्या है कलरिंग टाइल्स यूज किए इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ सिर्फ मतलब नहाने के लिए उसने इतने सारे पैसे यूज़ किए आई एम नाउ एट्टी ईयर्स ओल्ड अब वो क्या बोल रहा है कि मैं अब एट्टी ईयर्स का हो गया हूँ इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस तो वो क्या बोल रहा है कि मैंने इतने सारे चेंजेस देख लिए मतलब वो खुद बोल रहा है कि मैं स्टार्टिंग में किस तरीके से मतलब कहाँ पे रहता था फिर मैं कहाँ से कहाँ पे आया हमारी मतलब कंट्री के दो पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान हो गया फिर हमारा घर हमको अलग मिला हमने दूसरा घर लिए उसको बिल्ड किए फिर उसको रेनोवेट किए बच्चों की शादी किए हमने सो so यहाँ पे कितने सारे टाइम के हिसाब से कितने चेंजेस आते गए तो so स्टूडेंट्स हमारी भी लाइफ में हमने देखे होंगे कि हम छोटे थे तो हम कितने चेंजेस थे और अभी बड़े होते गए सो so कितने चेंजेस आते गए आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दी Chapter Changing Times. Do like and share our video. Subscribe our channel. Thank you, students. Stay home. Stay safe. Take care.